कभी भी उस तरह या शेव ना करे, का बैक से उसको ठीक करे, सेम नंबर पे दोनों पे मारना है जैसे वो सेम रहे, बीच में कट नहीं। खुशी आईब्रो तो आपको नेचुरल शेप देनी है, एक इंच नीचे रहेगा कट हमेशा। कान बड़े होते हैं तो उनके लिए हेयर स्टाइल कैसे। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karan S. Dhingra, your own the formal editor. आज हम बात करने जा रहे हैं about all the aspects of grooming. लड़कों के लिए basic but minimum चीज़ें होती है, from their hairstyle to their beard, their eyebrows, body grooming. उस सारी चीज़ों के लिए आप कहाँ जाते हैं? That is salon. Salon के अंदर आप पैसा भी invest करते हैं, time भी invest करते हैं, और कभी कभी आपको desired hairstyle नहीं मिल पाता, beard style नहीं मिल पाता, आपको लगता है पैसे वेस्ट हो गए. So in this video I'm gonna tell you वो mistakes जो आप salon जाके करते हैं जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका grooming का level from कमो to कैरन हो जाए. वो क्या है 15 mistakes, आइए बात करते हैं। आप अपने नाई को जाके बोलते हैं फेवरेट सेलिब्रिटी जैसे मेरे बाल काटते, ज़ियान मलिक जैसे बाल काटते, बाहर निकल रहा था अनु मलिक की भी अनदर एग्जांपल, इन भाई साहब को ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, 48 साइज इज डिफरेंट, बालों का टेक्सचर इज डिफरेंट। अगर जो हमारे 70s में पॉप स्टार रॉक करते थे रॉकबेली हेयर स्टाइल, भाई साहब गए कॉपी कराने, बाहर निकल रही है सस्ती बिली, फ्रॉम रॉकबेली टू सस्ती बिली। ऐसा क्यों? तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपका फोरहेड का साइज, बालों का टेक्सचर एंड फेस शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेस शेप के हिसाब से हेयर स्टाइल्स कैसे चूज करते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे रखी है। अगला, फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए चाहे आपकी आईब्रोज हो, आपके चीक्स पे हेयर हो, बिना केमिकल का सबसे सस्ता मेथड और इफेक्टिव मेथड सेंसिटिव स्किन पे भी जाएगा, दैट इज थ्रेडिंग। और आपको थ्रेडिंग कराते हुए कई चीज़ों का ध्यान रखना है, व्हेनेवर यू शेप योर आईब्रोज फॉर एग्जांपल, तो आपको नेचुरल शेप देनी है, मतलब एक्स्ट्रा बालों को सिर्फ हटाना, ज़्यादा पतला नहीं करना, वो थोड़ा सा ऑड लगता है। इफ़ यू हैव बुशी आईब्रोज या आप काजोल के कजन हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप बुशी आईब्रोज को ऑब्वियसली शेप कराएंगे, लेकिन अगर आपकी बुशी आईब्रोज है क्लीन शेप में ज़्यादा फोकस वहाँ जाता है, सो बियर्ड रखे और उसको शेप कराए, दैट इज कॉल्ड बियर्ड बैलेंसिंग टेक्निक, और आपकी बुशी आईब्रोज पे ज्यादा ध्यान भी नहीं जाएगा। अगला आता है साइड बंस, यानी कि जिसको हम कलमे कहते हैं, उसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, बियर्ड का और जो आपकी साइड बंस का जो लेंथ है वो सेम होगा। अपने बार-बार को बोलिए, खुद जब भी करे वो ट्रिमर सेम नंबर पे दोनों पे मारना है जैसे वो सेम रहे, बीच में कट नहीं रहेगा बिल्कुल। और हां, आपको ध्यान क्या रखना है, ज्यादा पतली और ज्यादा लंबे बाल नहीं रखने, उस पे मीडियम लेंथ पे रखना है। और अगर आपको हल्की थिक ज्यादा है ठीक करानी है उसको, तो फ्रंट से कभी भी उस तरह शेव ना करें, क्योंकि आपके फ्रंट फेस पे वो बाल खराब से आते हैं जो बाद में 3-4 दिन बाद वो आएंगे, हल्का बैक से उसको ठीक कराएं। नेक्स्ट आर हेयर कलर्स, उसका जो ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है, जो ब्लीच करते हैं बालों को, वो डैमेज करेगा ही करेगा, चाहे वो नो अमोनिया वाला भी हो। अगर आपको बहुत शौक है, आपको एक चीज को ध्यान रखना है, उसका शैम्पू कंडीशनर एक पूरी हेयर किट आती है जो आपका मेंटेन करने में हेल्प करती है विद एवरी हेयर कलर। अगर आप खर्चा और केयर उठा सकते हैं तभी इस वर्ल्ड के अंदर हेयर कलर के एंटर करिए। और उसके बाद क्या आता है, आपका जो फेशियल और ब्लीचेज आते हैं वो 1-2 घंटे के लिए फ्रेश कर देगा फेस, आपका ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा, मॉइस्चराइज हो जाएगा, आपको लगता है बहुत फर्क आया है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते तो कोई फायदा नहीं है, रादर इन्वेस्ट इन वॉट, अच्छी डाइट, विटामिन सी, फ्रूट्स हो गए, सैलड हो गया, पानी ज्यादा हो गया, सनस्क्रीन या कोई भी अच्छे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है फीचर्स एंड हेयर स्टाइल हैक्स, मतलब क्या, जैसे कई लोग कान बड़े होते हैं तो उनके लिए हेयर स्टाइल कैसे सिलेक्ट करें। अभी हमारा पर्पस रहेगा जो स्कैल्प है और कान के बीच का जो गैप है कम दिखाएं आपके हेयर स्टाइल से। क्या आप लॉन्ग हेयर स्टाइल रख सकते हैं, या आप जो साइड्स हैं आपकी बिल्कुल शॉर्ट मत रखिए, मीडियम या लॉन्ग रखिए। और उसके अंदर आपको ध्यान रखना है वेट लुक वाले प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, हमारा पर्पस क्या है, थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा दिखाना, और तो और हल्का टेक्स्चर्ड हेयर स्टाइल रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, कई लोगों का बिग नोज होता है लाइक आई हैव, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको हेयर वॉल्यूम रखना है एंड बियर्ड रखनी है विच विल बैलेंस आउट। बहुत लोगों को सलून में जाके ऑयलिंग कराने का शौक होता है, सलून में ऑयल जो इजीली अवेलेबल होते हैं जैसे ठंडे और खुशबू वाले वो आपको अवॉइड करने हैं, जो वहां पे जाके आप इजीली अवेलेबल जो चूज कर सकते हैं दैट इज आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल। अब उनको आपको मना क्या करना है, बालों के साथ कुश्ती नहीं लड़नी, क्योंकि आपके जो हेयर फॉलिकल्स है वो वीक होते हैं, जल्दी टूट सकते हैं, जेंटल मसाज या आपका जो मसाज गन का ऑर्गेज्म वहां तक इट्स फाइन। आपने बहुत बार नोटिस करा होगा जैसे आप बाल सलून में कटवाते हैं एग्जैक्टली वैसे घर पे नहीं रह पाते, कभी छोटे कट जाते हैं, कभी थोड़ा सा अजीब हो जाता है स्टाइल, या जैसे वहां पे सेट करे थे वैसे नहीं रह पाते। उसका सोल्यूशन क्या है, 3-स्टेप सोल्यूशन। नंबर 1 इज आपको जो ऊपर की लेंथ रखवानी है वो 1/2 इंच ऊपर रखवानी है, क्योंकि अगर छोटे होंगे तो वो बड़े नहीं हो सकते, लेकिन बड़े होंगे आप वहां पे सेट करके देखेंगे तो हल्के छोटे करवा सकते हैं उसको। दूसरा क्या है, जैसे आप घर पे सेट कराते हैं घर जाके या वहीं पे आपको सेट करने हैं एग्जैक्टली वैसे ही। सो द बेस्ट टिप फ्रॉम माय साइड विल बी यूजिंग योर ओन प्रोडक्ट व्हिच आई यूजुअली डू। अगर आपने उनका प्रोडक्ट यूज करा, हार्श इन केमिकल्स होगा उस टाइम शायद लुक दे दे, बट दैट कैन नॉट बी यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर आपने अपना यूज करा, कोई भी कमी हुई आपने वहीं पे थोड़ा छोटा साइड से ऊपर नीचे से उसको वहीं पे ठीक करा लिया। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट, अ गुड वैक्स, अच्छी वैक्स में क्या होना चाहिए, वो वाटर सॉल्यूबल होनी चाहिए, वो आपके स्कैल्प पे अटके ना, एक ही वॉश में हट जाए, इरिटेट ना करे, नेचुरल इंग्रेडिएंट जैसे कि अर्थ क्ले हो गया, विटामिन ई हो गया, आलमंड ऑयल, ऐसे इंग्रेडिएंट से बनी हो, और क्या पैराबेन एंड सल्फेट फ्री होनी चाहिए, ज्यादा स्टिकी नहीं होनी चाहिए, एंड होल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई एम पर्सनली यूजिंग इज अर्बन गबरू का इन्फिनिटी वैक्स, आपने बालों को सेट करा एंड अगर अच्छे है यू आर सॉर्टेड फॉर अ मंथ। अगला है बियर्ड सेट करवाते हुए या करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको बहुत नीचे कट नहीं मारना, एग्जैक्टली जॉ लाइन पे भी नहीं
नहीं मारना, else you will end up looking like a geometry box. और क्या, आपका एक इंच नीचे रहेगा कट हमेशा. जब ऊपर की कट की बारी आती है वो naturally कहाँ से आता है, end of the year till आपके lips तक ये कट रहता है. usually कई लोगों की दाढ़ी ज़्यादा आती है, उनका क्या, जब जिनकी दाढ़ी ज़्यादा है उन लोगों को नीचे तक कट मारेंगे तो वो एक दो दिन बाद वो ग्रीन ग्रीन से हरे छोटे छोटे बाल दिखेंगे, which do not look presentable. उनके लिए आपको आधा इंच हल्का सा ऊपर कट मारिए और जो उसके रेस्ट ऑफ द हेयर्स है उसको आप थ्रेडिंग करवा सकते हैं. फेड हेयर कट में नीचे से ऊपर तक पूरा ट्रिमर नहीं चलाना. चार तरीके के फेड होते हैं यूजुअली, जो हर ओकेजन पे चला जाएगा आपका फेड, जो मैं रखता हूँ टेपर फेड. उसके करना क्या है आपको, नीचे डेढ़ नंबर रखना होता है, ऊपर यूजुअली डबल उसकी लेंथ होती है. बीच में पार्टीशन नहीं होना चाहिए, सीजर आउट करना है जिससे वो पूरा फेड लगे. बहुत लोगों के बाल झड़ रहे हैं, रिसीडिंग हेयर रहना, उसको वो छुपाने की कोशिश करते हैं, आर्टिफिशियल प्रोसीजर होता है या कोई विक्स लगाने की कोशिश करते हैं, बट नथिंग कैन बीट व्हाट इज नेचुरल. शेव इट ऑफ और जीरो नंबर पे आप ट्रिमर करिए, उससे कोई सेक्सी नहीं लग सकता इफ यू आर बॉल्ड. अगर आप थोड़ा सा बस फिटनेस का ध्यान रखें, एब्स की जरूरत नहीं है, बेसिक फिटनेस जिससे आपकी जॉलिन भी मेंटेन रहेगी एंड कीप बियर्ड. अगला है बॉडी हेयर रिमूवल के लिए बहुत लोग सलोन जाते हैं. सलोन जब जाते हैं आपको उनको बताना है या खुद ध्यान रखना है, द बेस्ट मेथड विच आई कंसिडर फॉर बॉडी हेयर रिमूवल इज ट्रिमिंग. जब भी आप करिए आपको ध्यान रखना क्या है, सबसे पहला गो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर. बॉडी स्वेट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, अच्छे से बाल ग्रिप नहीं करेगी ट्रिमिंग मशीन. और क्या, आप जब भी ट्रिम करें उससे पहले गर्म पानी से नहाइए, आपके ओपन पोर होंगे, अच्छे से बाल कटेंगे. और क्या, जब भी आप ट्रिम कर ले बॉडी उसके बाद इमीडिएटली ठंडे पानी से नहाइए, क्लोज होते हैं पोर्स उससे. और क्या, डर्ट बैक्टीरिया नहीं जाएगा, कोई एक्ने नहीं होगा. तीन रेजर मिस्टेक जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है. उसके बाद जो छोटे हार्ड बाल आते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. सबसे पहला कहां पे होता है, आपके फोरहेड पे रेजर मरवाना. उसके बाद कान के पीछे जब आप रेजर मरवाते हैं वो कट और कान के बीच में ज्यादा गैप अंतर रखवाइए, एंड बैक ऑफ द नेक में आपको कट नहीं मरवाना, कीप इट फेयरेड. सो गाइस, ये थी वो सलोन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, विच कैन लेवल अप योर स्टाइल गेम एंड ऑल्सो आपके पैसे बचाएगी. और जो भी मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था अर्बन गबरू के, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. यू कैन ऑल्सो यूज द कोड द फॉर्मल एडिट फॉर डिस्काउंट. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले.